हाय दोस्तों, बने रहे इस वीडियो में। देखिए यहाँ पे सार्जन सर ने पूरा डिटेल में मशीन का सेटिंग वगैरह सारा, मिक्सर सेटिंग और कितना वोल्टेज पे आप रन करवाएंगे सारा सिस्टम बताए हुए हैं। और आगे हम लोग साउंड टेस्टिंग का भी देखेंगे, दासका का एम्पलीफायर रहा 4.2। फुल वीडियो को वॉच कीजिए सार्जन सर के वॉइस में। सर के बजट में अभी तक इसका जो रिस्पॉन्स है, इसका पावर केबल देख सकते पूरा हैवी है, 16 एम्पेयर का है। 16 एम्पेयर मतलब समझे जितना 6000-8000 में रहता है वो वाला पावर केबल है। फैन है और पीछे दो फैन है, 4.2 है, काफ़ी तगड़ा एम्पलीफायर है। इसको बजा के जब टेस्टिंग, यहाँ पर आपका क्लिप है, जैसे जैसे गाना बहुत ज़्यादा खोलिएगा तो क्लिप लाइट जलेगा। बाकी सिग्नल, अगर इसमें सिग्नल यानी गाना का इनपुट अगर घुस रहा है तो इसमें आपको दिखाई देगा। प्रोटेक्ट, अगर एम्पलीफायर में कोई भी फॉल्ट होता है तो आपको ये प्रोटेक्ट में चला जाएगा, तो उस समय आपको ध्यान देना है। एक्टिव जिस समय ये चालू रहेगा वो एक्टिव दिखेगा। बाकी वीडियो में चलिए देखते हैं। यहाँ पर कुछ सेटिंग है, जो सेंसिविटी है उसको 0.775 पे रखना है, कम सेंसिविटी से ही चलाना है। यानी इसका काम क्या है कि जितना कम सेंसिविटी रहेगा उतना कम वॉल्यूम में ये ज़्यादा आउटपुट देगा। अगर ज़्यादा कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा वॉल्यूम यानी मिक्सर से हमको देना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा। ब्रिज पैरेलल स्टूडियो, हमको इसको स्टूडियो में रखना है। इधर 30 हर्ज पर्स, इसको हमको ऑन रखना है या ऑफ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऑन रखने से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरा 15 इंच इसमें बजा रहे हैं इसीलिए ऑन रखेंगे तो 30 हर्ज का नीचे का जो फ्रिक्वेंसी है वो झूठ मूठ का स्पीकर के पास ये नहीं भेजेगा, क्योंकि स्पीकर को वो स्पीकर उसको समझता ही नहीं है। ये 50 हर्ज लो पास, इसको अगर ऑन कर देंगे तो मेरा पूरा का पूरा बेस गायब हो जाएगा, इसीलिए इसको ऑफ रखना है। लिमिटर ऑन रखना है ताकि एक्स्ट्रा अगर हम लोग गेन ऑन खोलते हैं तो उससे हमको बचाव मिलेगा। ग्राउंडिंग ऑन रखते हैं, क्योंकि इससे अगर कोई एम्पलीफायर में हम लोग का करंट लीकेज होता है तो वो चीज़ से हम लोग बच पाएंगे, अगर अर्थिंग का इसको सुविधा मिलेगा तब। बाकी सारा एम्पलीफायर में सेम सेटिंग है, आप लोग देख लीजिए इस तरह से सेटिंग कर सकते हैं। इस तरह से आपको लाल बस इस तरह से टाइट कर देना है और उसको ऊपर में ही काला बस बस आधा डाली। ये आपका एक हो गया, इसी तरह से आपको सब में कनेक्शन करना है। यहाँ पर 8 बॉक्स है, 8 बॉक्स में 8 चैनल हमको मिल रहा है, क्योंकि 4 एम्पलीफायर है, हर एक एम्पलीफायर में 2-2 चैनल है, इसीलिए आपको 8 बॉक्स इससे इजीली हम लोग कनेक्शन कर लेंगे। एक दो बार कनेक्शन करने में नया आदमी को थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन हम बोलेंगे फ्री टाइम में घर में भी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपका आसान होगा। बाकी कोई अगर दिक्कत होता है तो उसके लिए हम हैं। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर को भी हम लोग को फुल से थोड़ा सा कम कर देना है। इधर मोबाइल जैक से मेरा ये इनपुट ले लिए, और पहले की तरह इस वीडियो में भी जैसे ये गेन, ये हाई, ये मिड और ये लो, सबका सेटिंग इसी तरह से रहना चाहिए, ध्यान से देख लीजिए। और इसमें ये सारा चीज़ को छोड़ देते हैं, अभी इसमें बजा रहे हैं तो ये वाला चैनल को ध्यान देना है। और ये जो मास्टर वॉल्यूम है इसको फुल से थोड़ा सा कम, यहाँ से मेरा गाना घुसा, इसको हम सेटिंग कर दिए कितना बेस, कितना झनकार, कितना मीड निकालना है। अब क्या किए, यहाँ से 2 मेन आउट है, कोई भी मिक्सर में आउटपुट रहेगा ही, तो ये मेन आउट अगर 2 यहाँ से निकल रहा है, अगर कोई एक एम्पलीफायर में देंगे तो ख़त्म। इसके लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर। अब क्या किए, यहाँ से निकाल के हम लोग यहाँ डाल दिए। अब इसका काम है नीचे में 10 आउट, यानी ये नीचे 10 मशीन को दे सकता है, ऊपर 10 मशीन को कनेक्शन दे सकता है। अब क्या किए, 2 टोलिए यहाँ से, फिर दे दिए नीचे वाला में, फिर 2 टोलिए ऊपर वाला में, फिर 2 टोलिए उसके ऊपर, फिर 2 टोलिए ये ऊपर वाला, सब एम्पलीफायर को इधर दे दिए हैप्पी एम्पलीफायर को। आज जो आहूज यहाँ पर आप कहीं पर भी इस लाइन में कहीं भी डाल सकते हैं, अगर आपका ये चैनल ख़राब हो गया तो आप इसमें भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या है कि लेफ्ट वाला को पूरा का पूरा मेरा बॉक्स कंट्रोल होगा, और जो राइट है वो मेरा ट्रेवल ट्यूटर कंट्रोल होगा। यहाँ से निकाल के हम लोग एक आहूजा का 500 1000 वाट में यहाँ पर आपका इनपुट है, ये इनपुट में डाल दी। ये आपका 200 के तरफ रहेगा, 1 वोल्ट तरफ मत कीजिएगा। इसमें कॉम मतलब काला 2 ओम्स जो सबसे ज़्यादा लोड लेगा आपका, 4 ओम्स अगर आपका ट्यूटर का मात्रा कम है तो 4 ओम्स पे दे सकते हैं, अगर ज़्यादा है तो 2 ओम्स पे ज़्यादा लोड लेता है।
ये इससे आप चोंगा बजा सकते हैं, वो भी LT वाला चोंगा। ये आपका MCB है, ये अगर नीचे रहेगा तो बंद रहेगा और ये ऑन रहे, ऊपर रहेगा तो ऑन रहेगा। कभी कभी लोडिंग के समय ये नीचे हो जाता है, तो ध्यान देना इसको थोड़ा। मास्टर वॉल्यूम जरूरत के हिसाब से उठाएंगे। एक चीज ध्यान देना है, अहूजा में हम लोग को लाल नहीं सटाना है, लाल सटाएंगे तो आवाज बहुत फटेगा। अगर इसमें हम 2 to 15 बजाएंगे तो बेस ट्रैवल लगभग 50-50 करके बॉक्स के साइड में करके छोड़ देंगे, लेकिन अगर इसमें ट्यूटर बजाएंगे तो बेस को पूरा जीरो कर देना है और ट्रैवल को पूरा फुल से थोड़ा सा कम, जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर बजेगा, ठीक है। और पीछे तरफ ये अगर ओवरलोड मारता है तो ये आपका निकल जाएगा और यहाँ पर ये वाला ओवरलोड दिखेगा, और अगर उधर पीछे का MCB अगर गिर जाएगा तो आपका ये वाला जलेगा। तो ये जब जलेगा तो आपको पीछे का MCB को ध्यान देना है, और जब ये पावर ऑन, और जब उधर पहले हम लोग वोल्टेज देख लेंगे उसके बाद ही इधर हम लोग चालू करेंगे। स्टेबलाइजर खास करके ध्यान देना है, पहले वीडियो में भी बताएं, कभी भी आपको इसको ऑन करने का रहेगा तो इसको पहले एक नंबर पे करना है। कोशिश कीजिएगा, ये कभी उल्टा भी लगा देता है तो उस समय ध्यान देना है, कभी भी जैसा भी रहे तो आपको पहले ये पूरा लेफ्ट करके देख लेना है, और ये हमेशा स्टार्टिंग के समय हमेशा नीचे ही रखना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, जनरेटर चालू करेंगे, मेरा वोल्टेज अगर सही रहेगा 200 से 250 के बीच में अगर रहेगा तो ही हम उधर उसको चालू करेंगे, अगर नहीं रहेगा तो पहले हम इसको कंट्रोल करेंगे। अगर मेरा ऐसे तो अभी इसका ऑटो कट है, ज़्यादा वोल्टेज होगा तो ऑटोमेटिक ये कट आउट हो जाएगा, लेकिन किसी कारण हम लोग का ऑटो कट खराब हो जाता है तो उस समय हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है। ऑटो कट खराब होने से स्टेबलाइजर खराब नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान देना है। वो सिर्फ जो वोल्टेज को कट आउट करता है वो हम लोग का खराब होता है, उसका एक 60 से 150 रुपया का सर्किट लगता है, वही खराब होता है, पूरा ट्रांसफार्मर हम लोग का नहीं जलता है। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, कभी भी हम लोग को बढ़ाने का रहेगा तो इसको ऊपर या नीचे करने से पहले हम लोग को इसको ऊपर या नीचे करने से पहले हम लोग को पहले इसको एक नंबर में करना होगा। बाय चांस हम लोग का कभी बढ़ाने का रहता है और ये नीचे रहता है, हम लोग जैसे इधर बढ़ाते हैं तो देखते हैं घटता है, तो फिर हम लोग क्या हड़बड़ी में क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट ऊपर उठा देते हैं। तो अगर वो 200 रहेगा तो डायरेक्ट वहाँ पर 300 चल जाएगा, जिसमें आपका ऑटो कार्ड जलने का शिकायत आएगा। तो आपको क्या करना है, कभी भी इसको ऊपर या नीचे के लिए पहले एक नंबर, उसके बाद ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिएगा तो वोल्टेज बढ़ेगा इस तरह से, और अगर मान लीजिए ये नीचे रहेगा तो इधर आपका घटेगा, ठीक है। लगभग सारा चीज़ हो गया है, और इसके बाद चलते हैं बजाते हैं।